दोस्तों इंडिया में असुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 मोबाइल जो है लॉन्च कर दिया है बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ। फ्रेंड्स ये मोबाइल जिस मार्केट प्राइस में लॉन्च किया है इस मार्केट प्राइस में आपको बहुत ही सारा मोबाइल दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे असुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 और ओप्पो A5 और रियलमी 2 प्रो और रियलमी U1 मोबाइल के बीच में। ये चारों मोबाइल में से आपको एक मोबाइल लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो फ्रेंड्स, तो आपको जो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स आप कौन कौन मोबाइल का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा वो कंपैरिजन वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स चलो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चार मोबाइल के डिस्प्ले साइज की, तो आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में आपको 6.2 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ओप्पो A5 में आपको 6.2 इंचेस HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी 2 प्रो और रियलमी U1 में आपको 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में आपको 19:9 का एफसेट रेशियो देखने को मिलेगा और ओप्पो A5 में भी आपको 19:9 का एफसेट रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी 2 प्रो और रियलमी U1 में आपको 19:5:9 का एफसेट रेशियो देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 और ओप्पो A5 और रियलमी 2 प्रो में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी U1 में आपको LTPS IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात कर लेते चार मोबाइल के डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में आपको 1080x2280 इनका डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और ओप्पो A5 में आपको 720x1520 इनका डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और रियलमी 2 प्रो और रियलमी U1 में आपको 1080x2340 इनका डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते चार मोबाइल के प्रोसेसर की, तो आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में आपको स्नैपड्रैगन का 660 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टा कोर 2.2 GHz में क्लॉक्ड है और ओप्पो A5 में आपको स्नैपड्रैगन का 450 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टा कोर 1.8 GHz में क्लॉक्ड है और रियलमी 2 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन का 660 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टा कोर 2.0 GHz में क्लॉक्ड है और रियलमी U1 में आपको मीडिया टेक हीलियो P70 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टा कोर 2.1 GHz में क्लॉक्ड है। फ्रेंड्स बात कर लेते चार मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको चारों में आपको एंड्रॉइड ऑडियो 8.1 देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं चारों माल के कैमरे की, तो आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में आपको रियर में 12+5 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा और ओप्पो A5 में आपको 13+2 मेगापिक्सल रियर में देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा और रियलमी 2 प्रो में आपको 16+2 मेगापिक्सल रियर में देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा और रियलमी U1 में आपको रियर में 13+2 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स बात लेते चारों माल की बैटरी की, तो आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और ओप्पो A5 में आपको 4230 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आता है और रियलमी 2 प्रो और रियलमी U1 में आपको 3500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ अभी नहीं आता है। बात कर लेते हैं चार मोबाइल की मेमोरी की, तो आपको ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो कि 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज और 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज और ओप्पो A5 आपको 1 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो कि 4GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज और रियलमी 2 प्रो आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो कि 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज और 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज, जो कि आपको रियलमी U1 आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो कि 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज। आपको मैक्स प्रो M2 में 512GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो, जो कि ओप्पो A5 और रियलमी 2 प्रो और रियलमी U1 में आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी देखने को मिलेगा 256GB तक। फ्रेंड्स बात कर लेते फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आपको रियलमी 2 प्रो और रियलमी U1 में आपको फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा, जो कि ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 और ओप्पो A5 में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं चार मोबाइल की मार्केट प्राइस के, तो ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 आपको 12,999 पे देखने को मिलेगा और ओप्पो A5 आपको 13,990 रुपये में देखने को मिलेगा और रियलमी 2 प्रो आपको 13,990 रुपये में देखने को मिलेगा और रियलमी U1 आपको 11,999 पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था चार मोबाइल का कंपैरिजन वीडियो, आपको कौन सा मोबाइल बेहतर लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हूँ तो अभी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।